अलीगढ़ से अयोध्या के लिए 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य कार्यक्रम भव्य रूप से होने जा रहा है। अलीगढ़ से देश का सबसे बड़ा ताला जो सत्य प्रकाश शर्मा और उनकी पत्नी रुक्मणी शर्मा के द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर भगवान श्री राम मंदिर को 400 किलो का ताला देने की मांग की गई थी। अचानक इस दौरान सत्य प्रकाश शर्मा की मृत्यु हो गई, जिसके बाद महंत रविंद्र पुरी जी महाराज अध्यक्ष अखाड़ा परिषद एवं माँ मनसा देवी ट्रस्ट और उनकी शिष्य महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारतीय पुरी के द्वारा ताले के बचे कार्य को पूरा कराया गया और आज अन्नपूर्णा भारती 400 किलो के ताले को लेकर के अयोध्या के लिए रवाना हो चुके हैं और ये अलीगढ़ और अलीगढ़ वासियों के लिए बड़ा ही गौरव का विषय है। महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती गिरी ने कहा कि अलीगढ़ का ताला अयोध्या राम मंदिर के लिए आज वह लेकर जा रही हैं और यह ताला अयोध्या में एक अपनी अलग ही पहचान बनाएगा। इतना ही नहीं, जो विरोधी लोग हैं जो आज तक ये कह रहे थे कि राम मंदिर कब बनेगा, कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, उनके मुंह पर ये ताला लगाने का काम होगा। देखिए, अलीगढ़ की जनता और अलीगढ़ का प्रसिद्ध जो प्रतीक चिन्ह है वो ताला हम प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित करने जा रहे हैं, क्योंकि स्वयं यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी अलीगढ़ को ताला नगरी के नाम से संबोधित करते हैं। ये यहाँ की बहुत बड़ी पहचान है। तो ऐसे में ये जो ताला जब वहाँ पर रखा जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं और इसको देखेंगे तो हमारे अलीगढ़ के ताला जगत के उद्योग को भी एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले, इस उद्देश्य के साथ प्रभु श्री राम के चरणों में इसे समर्पित कर रहे हैं। और दूसरा परिप्रेक्ष्य ये भी है कि जो विरोधी लोग अब तक चिल्लाते थे कि राम मंदिर कब बनेगा, बनेगा भी कि नहीं बनेगा, खाली चुनावी एजेंडा है, उनके मुंह पर भी